देखिए भैया, एक गरीब के आंसुओं को जरा ध्यान से देखिए, ये कितना बेबस एक इंसान है जो 40-45 सालों से इसे छप्पर में रह रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। लुच्ची छटका तब पूरा घर जर जाए, तो बताइए हमन के कहाँ बैठल जाए, ठेकान है कहीं बैठे होता नहीं आते हैं नेताओं से, ऐसा ना सब आवाला तब कहल जाला तो कहिया हाँ मिली 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 तो सब कह के चल जाये, तो उन्होंने से मरणन करल जाये। आवास योजना योजना का लाभ आपको नहीं मिला? नहीं ना मिलल साहेब, ये तो सोचते हैं जम के दिया दिया तो बहुत बढ़िया। तो कोई सर्वे उर्वे नहीं करने आया घर का की है कि प्रधान मगर रोज आवे ना तीसरे दिन बैठ का बीमार हैं। आयुष्मान कार्ड और बना आप लोग? कुछ ना बना था। नहीं बना है? नहीं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना? नहीं। और मोदी जी वाला सिलेंडर मिला है? नहीं नहीं मिला है, इसलिए आप चूल्हे पे खाना बनाते हैं? हाँ, हाँ, हमें ना मिला। यानी जगह बदल गई लेकिन आपकी किस्मत नहीं? नहीं नहीं, किस्मत आज भी वैसे ही वैसे है। बहन पता नहीं का लिखल बा, जब ये था ना हमें तब बहन पता नहीं का लिखल। हाँ बीमार हमें कहानी की हमारा नाव है तो कहना तुहार नाव ना है, तो कहानी आज चूल्हा मिला था तो नाव ना है आ कैसे वो सिलिस्टिंग नाव जरा कैसे सब वोट खरीद दौड़ल है, तब कहा सब ऐसा तू बात कह दे तो हम कहानी काहे ना कह, जब हम नहीं पाए हमारा नाव ना है तो हम कह ना सकत है, फिर वहाँ से यहाँ गए तो कहीं हमारा नाव ना रहे। इनको अगर प्रधानमंत्री मोदी का वो आवास मिल गया होता जिसका दावा खुद प्रधानमंत्री करते हैं, जिसकी गारंटी खुद प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन शायद प्रधानमंत्री की गारंटी में, उस योजना की गारंटी में परिवार नहीं आता, तभी इनके साथ ऐसा व्यवहार है। इस वक्त देश भर में चुनावी माहौल है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, ऐसे में हम जनता के बीच में हैं जानने समझने के लिए कि जनता के मन में क्या चल रहा है। ये जानते समझते समझते जब हम एक गांव में पहुंचे तो हमारी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जिसके पास ना तो आवास है और ना ही सुविधाओं के नाम पे वो सरकारी योजनाएं हैं जिसका बखान अक्सर नेता और मंत्री करते रहते हैं। बहरहाल आपको बता दूं कि आपको दिख रहा होगा एक मकान बन रहा है और इस मकान की खासियत ये है कि ये मकान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के व्यक्तिगत प्रयासों से बन रहा है। ये कमरे का मकान है, एक बूढ़ी अम्मा 2022 के उपचुनाव में निरहुआ जी को आशीर्वाद देती हैं, फिर वो चुनाव जीतते हैं और उसके बाद बताशा आते हैं और ये मकान बन रहा है। इस मकान के बनने के स्टोरी हमने आपको दिखाई है, अम्मा ने क्या क्या कहा है आपने पूरा सुना है। अब अम्मा के दो बेटे हैं, इनका एक बेटा देखिए यहाँ पे बीमार अवस्था में पिछले 6 महीनों से पड़ा हुआ है और सामने अम्मा की बहू खड़ी हैं। अम्मा की बहू मतलब बलवंती साधु की बहू हैं और ये देखिए मकान के नाम पर इनके पास क्या है, ये छप्पर है, ये मंडई है। थोड़ा आप इधर आइए, दिखाइए जरा, इसी में रहते हैं आप लोग? अंदर चलिए, ये कब से इस तरह के मकान में रह रही है? ये हवा मन के मकान है, घर द्वार है। कब से रहा था वो इस के मकान में? शुरू से ऐसा है। पहले से ही? हाँ पहले ही से है। अच्छा, हाँ पहले से ही से तो है। कभी डर नहीं लगता कि डर लगल जाए, आग लग जाए? बहुत आग लगल, बहुत डर आये खाना दान अब के हुआ जा दोपहर तीन माला मन के खाना ना बन पाई देखल जा खाना यहाँ बनेला करीब है आपका जो ये चूल्हा जो है इससे बिल्कुल सटा हुआ ये मंडई है, मुश्किल से 3-3.5 या 4 फीट का गैप होगा। तो कभी पानी खाना बनल जला बाल्टी में पानी धो के हम बनेला की भक्ते धो ले तो हमन के ठेकान न है के करे घरे के ठेकान लेवे दे। तो कभी आग उग लगा है की नहीं लगा है? हमन के जान ली जब से मैनी तब से हम खाना दाना बहुत सजग से बनाए ला। अच्छा, पानी धो के बाल्टी में तागी बाली सावधानी से। हाँ सावधानी से, 1-2 घंटा हो लेट रखता के ना बनाए ला धो ले। बाहर आइए, आपके पास घर हो नहीं है? यही है घर के नाम पे यही है, कहीं ऐसा तो नहीं पक्का मकान उकान हो? झूठ बोल रही हो? अरे मानो पूछ ले जा सबसे, पूछ ले जा जैसे अमन के झूठ बोल जाये तो गाँव पूछ ले जा टोला मोहल्ला में। हाँ इना कि झूठ बोल जा, अगर झूठ बोलती थी जपानी में खाती बनौती आ सर मन यहाँ रहत तो कहीं घर में ना धरती चोरा के झूठ ना बोल बन रहा। वो तो अम्मा का बन रहा है? हाँ बना था उनका, तो माला अगर हमरो कुछ रहे तो हम फेंक देवा कि जन आगे लगल डर रहे कि मन जर जाये, अब बने खाते ही है तो कहानी खर्च आके मरे छ
और ना पैसा ना कि खर किन के छवाई तो कहला कि झीली लिकीन के ऊपर से डाल दल जाए तो हम कहने झीली तो बारिश हुई आनी आई तक नहीं फट जाए तो का करे जब उतना भर के पैसा ना है। अच्छा इधर आ जाइए, थोड़ा आपके पति से भी बात कर लें। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश नाम है आपका? राम प्रकाश, तो क्या बीमार उमार हैं ऐसे बैठे हैं? नहीं नहीं बीमार हैं साहब, बहुत दिन। क्या बीमारी हो गई? हमको बीमारी शुगर का बहुत ज्यादा हो गई थी। अच्छा हाँ। आवास योजना योजना का लाभ आपको नहीं मिला? नहीं ना मिलल साहब, ये तो सोचते हैं जम के दिया दिया तो बहुत बढ़िया। तो कोई सर्वे उर्वे नहीं करने आया घर का की है कि प्रधान मकर रोज आवे ना तीसरे दिन बैठ का बहुत कष्ट होगा ना, जब बारिश वरिश होता होगा तो फिर सारे लोग परेशान होते होंगे। तो सरकार तो खैर सबको मकान दे दिया, जो उसके हकदार थे उनको दे दिया है मकान उकान। अरे साहब दे दे ले रहा था तो काहे ऐसा सामने चोरी सामने वाली बात है। आड़े रहते है आपका तो आड़े है सामने आपके। शौचालय मिला है? शौचालय मिला है। अच्छा आवास नहीं मिला है। अच्छा तो ये कितने सालों से इसी मंडी में रह रहे हैं आप लोग? कम से कम हो गई लो 40-45 साल। 40-45 साल। हाँ। देखिए भैया एक गरीब के आंसुओं को जरा ध्यान से देखिए, ये कितना बेबस एक इंसान है जो 40-45 सालों से इसी छप्पर में रह रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, खुद भी बड़ा हुआ, शादी हुई, माता पिता ने शादी किया और फिर अपने बच्चों के से छप्पर में पाल रहा है और दावा होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को एक तारीख मुकर्रर की गई थी, बताया गया था कि इतने तारीख तक सभी को मकान उकान मिल जाएगा, कोई भी भारत में ऐसा नहीं रहेगा जिनके सर पर छत नहीं होगी, इस तरह का दावा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गारंटी जैसी ही बात थी जो उन्होंने कहा था, एक नियत समय पे भारत में जो भी जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनके छत उनके ऊपर छत होगा, एक टाइम दिया था उन्होंने, लेकिन मोदी जी की ये गारंटी मुझे फेल लगती है। तब मन देखल था घर द्वार कैसन बाबा तनको को लुच्ची छटका तब पूरा घर जर जाए तो बताई हमन के कहाँ बैठल जाए ठेकान है कहीं बैठे होता नहीं आते हैं नेताओं से ऐसा सब आवाला तब माला कहल जाला तो कहीं हाँ मिली 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 तो सब कह के चल जाए तो उन्होंने से मरणन करल जाए हाँ मार तो करल ना जाए। यात्रा आई थी विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसका उसमें ये था कि गांव में जिनको जो जो सुविधाएं नहीं मिली हैं उनको नोट किया जाएगा और फिर उनको वो देने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोगों तक कुछ लोग पहुंचे थे पूछने उछने की नहीं? हमन के ऐसा प्रधान जन हवा एकदम नीच खिंचाई दिने सुनली कहना आधार कार्ड एक 2 कॉपी और पासबुक एक 2 कॉपी करा के दे है। तो वहाँ गए तो कहानी बाबू कुछ सोचना मिले मिल जाए तो कहला हम अभी ना बताए मिली तो पैबा करूँ ना मिली तो ना मिली तो तब से हम गैनी ना मिलके कि हाँ। अच्छा हाँ गैनी ना कहानी कि का जन मिली कि ना मिली तो बार बार उनके घरे का हम जाए द्वार करा तरी तो दिव्या मारा हम तो इनके छोड़ के कैसे हम जाए। अब ये कुल बात है भाई तो सब आवला जाला तो कहला मिली 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 आ लास्ट में क्यों ना दे हला से। अच्छा बीमार है, आयुष्मान कार्ड और बना आप लोग? कुछ ना बना था। नहीं बना है? नहीं। अच्छा आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना है? नहीं। और मोदी जी वाला सिलेंडर मिला है? नहीं नहीं मिला है, इसीलिए आप चूल्हे पे खाना बना। हाँ, हाँ, हमें ना मिला है। तो सबको तो कह रहे थे सबको मिल गया है ये। अरे हम देखे चांद पर रौना पर मिलत रहे तो वहाँ गए नहीं, कहानी की हमारा नाव है तो कहना तुम्हारा नाव ना है तो कहानी आज चूल्हा मिला था तो नाव ना है आ कैसे वो सिलिस्टिंग ना हो जाए कैसे सब वोट खरीद दौड़ा ला तो वो कहते हो सब ऐसा तू बात कह दे तो हम कहानी काहे ना कह जब हम ना पाए हमारा नाव ना है तो हम कह ना सकत है। फिर वहाँ से यहाँ गई तो कहीं हमारा नाव ना रहे ना ही कहा तुम्हारा नाव कट गया तुम्हारा नाव ना है। ये जो आवास बन रहा है हा? जो ये मकान बन रहा है आपकी सास का, ठीक है आपकी सास ही लगेंगी ना? हाँ, हाँ, सास आपकी सास का मकान बन रहा है, मान लीजिए इसमें वो रहेंगी। तो जब लोग आए थे तो आप लोगों ने कहा नहीं कि भैया हमको एक ठो सरकारी आवास प्रधानमंत्री जी वाला दिलवा दीजिए तो हमारी सब मुसीबत दूर हो जाएगी? बहुत कल गए उनके देखा घूम घूम कुल देखा ना वहाँ तक कुल देखा ना कुल देखा ना तो कहना कि एठ हम बनवा देव तो जब ये बने शुरू भाई तो हम उनसे कहानी जिन पैसा खत्म उनसे कहानी कि ऐसा न
कि हमार पूरा ये देवलिया लेके ना लत पाए तो करकट हो जाए तब हम कर ठिकाने वो कहा ना कि हम अपने घर से ना लगाई जितना हमारे खाता में बजट है उतना ना कर। आपने कहा कि हाँ ये जो बन रहा है मकान इस पे ढलाई ना करा के अगर ये दीवार वहाँ तक बन जाए और करकट लगवा दिया जाए तब भी हमारा काम तब हम कहानी हमन के सुख हो जाए। तो कहना कि ना करकट ना पास हुई कौनो तुअर आवास ना है ये सांसद जी दिले हमें तो पूरा लद्दाख देखा जाए तो अपने पास हाँ लेगा लद्दाख देखा जाए जब तुअर आवास मिली तो तू अपन करकट दे चाहे जो कुछ धरिया तो हमन के जगह पटागन बोलनी ना कुछ का कर जन कहानी जाना सुनत पटा गई हमन के कहानी चला जब मिली तो आवास बनी ना मिली तो कमाई हम लड़का तो बनी आ नहीं तो मरई हम रहें का कर जाए। अरे जब ये ऐसा हो गई ना तो आपकी शादी हुई हा? शादी ब्याह करके आप आई पत्नी बनके तब इसी मंडई में आई तब वो ऐसा रहा। अब तो तनी बान है टूटल टटल टटिया रहा तब वो ऐसा रहा आज के ना तब वो ऐसा रहा आई लोग देवारे रहना तो देवरों में ऐसा घर द्वार रहा आ यही वजह तो हो गए हाँ यानी जगह बदल गई लेकिन आपकी किस्मत नहीं 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 किस्मत आज भी वैसे ही वैसे है बहन पता नहीं का लिखल बा जब ये ऐसा ना हमें तब बहन पता नहीं का लिखल हाँ बीमार हम बच्चों को खिलाना जिलाना हाँ क्या क्या हमारे हमन के आगे पीछे है ऐठे लड़का बही बा कि भविष्य कुछ बेहतर होगा अब देखल जाए अब भगवान जाने हम कैसे के उस कहें कि बने कि ना बने हम ना कुछ कह जब लड़को छोट छोट हम तो का करल जा भैया। देखिए आम तौर पे हम भारतीयों में एक बात ये होती है कि जहाँ हमें नहीं समझ में आता है तहाँ हम कहते हैं कि ईश्वर जाने भगवान जाने अल्लाह जाने गॉड जाने जो जिसको मानता है वो उस पर ठेल देता है कि वो जाने हम नहीं जानते हैं क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि आगे होगा क्या। एक महिला है जो ब्याह करके इसी तरह के छप्पर के मकान में आई थी आज इनके कई बच्चे हैं बच्चा एक बाहर भी काम करने गया हुआ है। अच्छा कहाँ गए हुआ है? केरला में गए। केरला में तो लड़का मतलब केरला गया हुआ कमाने के लिए फिर भी इनको नहीं पता है कि इनके साथ क्या होगा। एक मकान सांसद जी के प्रयासों से बन रहा है एक कमरे का और इन लोगों को अगर एक प्रधानमंत्री आवास मिल गया होता तो शायद आज ये लोग भी पक्के मकान में होते इन लोगों के सर पर भी छत नसीब हो जाती और शायद जो ये हवा के तेज़ झकोरे बह रहे हैं और ये चूल्हे में आग जलाने से पहले हज़ार बार सोचते होंगे कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ कैसा हादसा होगा। क्योंकि मैं बता दूं आपको यकीन मानिए आज हवा इतनी तेज़ है अमूमन अब ये गर्मी के मौसम में ऐसे ही तेज़ लू के थपेड़े रहेंगे ना लू चलेगी तो लू जो है इतनी तेज़ इतनी बुरी अभी से चल रही है और इन्हें ये भय सताता है डर सताता है कि अगर कोई चिंगारी निकलेगी तो पता नहीं हमारे छप्पर का क्या होगा हमारे इस आशियाने का क्या होगा। इनको अगर प्रधानमंत्री मोदी का वो आवास मिल गया होता जिसका दावा खुद प्रधानमंत्री करते हैं जिसकी गारंटी खुद प्रधानमंत्री देते हैं लेकिन शायद प्रधानमंत्री की गारंटी में उस योजना की गारंटी में परिवार नहीं आता तभी इनके साथ ऐसा व्यवहार है। आप खुद सोचिए कि विकास की जो बातें हैं जो आम जनता तक सरकारी योजनाओं के पहुंचने की बात है वो कितना हद तक सही है। इनकी बात को सुनकर के आपको कैसा लगा क्या इन्हें प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे कितने लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके आसपास ऐसे लोग हैं गरीब हैं निर्धन हैं पात्र हैं सरकारी आवास के सरकारी योजनाओं के लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है वो कमेंट करके बताएँ हम वहाँ तक जा करके उनकी भी स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे इन परिस्थितियों में आखिर कैसे भारत बदलेगा। देखते रहिए बदलेगा भारत और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनकी जो परेशानी है उससे इनको कैसे निजात मिलेगा। धन्यवाद।